मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मनी के कुछ एग्जांपल आपको दिए थे। आज हम उसी चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8A। ठीक है, पेज नंबर 86। सभी लोग अपनी बुक का कोड लेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक्सरसाइज 8A फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। मतलब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको कोई भी अमाउंट दिया गया है, मतलब कुछ भी आपको दिया गया है, कुछ भी रुपए आपको बता रहे हैं, पैसे में अमाउंट दिया गया है, उसको आपको वर्ड में लिखना है। जैसे पहला क्या है, ये देखिए, ₹56.5690। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ₹56.90। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है। ये किस में लिखेंगे, ये वर्ड में लिखेंगे, किस में, वर्ड्स में। ठीक है, इसका एक और देख लीजिए, सी देखिए, ₹29.25 या ₹29.50 को किससे लिखेंगे, ₹29.25। ठीक है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर। पहले ही बेटा ये फिगर में नंबर दिया गया, तो हमने वर्ड में लिखा है, अब हमें फिगर में दिया, सॉरी वर्ड में दिया है, तो फिगर में लिखना है। जैसे पहले क्या लिखा है, ₹56.65। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम फिगर में कैसे लिखेंगे, देखिए पैसे को क्या करेंगे, ₹56। इधर देखिए, जब पैसा आ जाता है तो यहाँ पे लग जाता है पॉइंट, ठीक है ना, ₹56, और पैसे लिखना है तो पॉइंट सिक्सटी फाइव पैसे। इस तरह से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन हम एक और देख लीजिए, अब लिखा है ₹100.68। ठीक है ना, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, ₹100, क्योंकि पैसा लिखना है तो ₹0.68। ठीक है ना, जो पॉइंट की बात होता है वो पैसे में काउंट किया जाता है, ठीक है ना, और जो पॉइंट के पहले उसे रुपीज में। ठीक है, इस तरह से हम ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर हमने आपको बताया था, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इंटू पैसे। मतलब आपको मनी जो दिया है, मनी इंटू पैसे, ये आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, कन्वर्ट करना। सपोज कीजिए आपको एक, ये देखिए, ₹4 दिया गया है, रुपीज दिए गए हैं, तो क्या लिखोगे इसमें, इसमें क्या दोगे, ₹4 को कैसे लिखोगे, इसे पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताया था ₹1 = 100। तो इसमें क्या करेंगे, 4 × 100, ये किस में हो गया, पैसे में हो गया, तो 4 × 100 में करूँगा, 400 पैसे, ये किस में चेंज हो गया, पैसे में चेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए था। ठीक है ना, रुपए में रुपीज अगर ₹4 दिया है, तो उसे हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता होना कि ₹1 = 100, तो हम 4 × 100 में कर देंगे, तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब इसमें क्या करना है, अब जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें रुपीज को जो आपको रुपी कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपी एंड पैसे। आपको इसमें रुपए में भी चेंज करना है और पैसे में भी चेंज करना है, क्योंकि आपको ये बड़ा अमाउंट दिया गया है ना, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए आपको बताया था ना, एक एक्सपेंडेड फॉर्म आपको सिखाया था,
ठीक है, चलिए देखें। तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको ये देखो 496 पैसे को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये पैसा दिया गया है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे 4,900 को पैसे में इस तरह लिख लेते हैं और प्लस करके 9,056 पैसे, ठीक है ना। हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पैसे से पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 का इसमें डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 100। अभी किस में चेंज हो गया, रुपीज़ में चेंज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये अब ये 100 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसे क्या करेंगे 65 पैसे ऐसे ही लिख के रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा इधर पर, 4 रुपीज 49। अब हमने बताया था पैसे को क्या करते हैं, पैसे को पॉइंट के बाद लिखते हैं, ठीक है ना। तो 0.65 पैसे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, फिर से समझ लो। सबसे पहले अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है, पैसे में दिया गया है, तो सिंपल होता तो हम सीधा उसे डिवाइड कर लेते, हो जाता, ठीक है। अब अगर आपको इतना 4 डिजिट का एक अमाउंट दिया गया है तो हमें उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। इसके एक्सपेंड कर लेते हैं, तो एक्सपेंड में जो हम इसे फिर 100 से डिवाइड करेंगे। अब जो हमने 65 लिया है वो 100 से डिवाइड नहीं होगा, आप पूछ रहे सोच रहे होंगे इसे हमने 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया, हमने ऐसा नंबर निकाला इसमें जिससे 100 का उसमें डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में आता है इसलिए हमने उसे पहले से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद देखिए इसे डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं आप, 4, तो 4, 100 4, 100 4 जा 400, माइनस करोगे तो 90, फिर एक जीरो आ जाएगा, तो 409 जा 900, तो ये आपका कितना आ गया 49। तो वही हमने 49 रुपीज़ लिख लिया, 100 से डिवाइड किया था, 65 पैसा पॉइंट के बाद 65 पैसा, पैसे को पॉइंट के ही बाद लिखते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके ओके बच्चों, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसकी बाकी जो बाकी बाकी